नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी व नवमी तिथि पर 2 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किए जाने की विशेष परंपरा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। कन्या पूजन का महत्व: 1, कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2, की पूजा से भोग और मोक्ष, 3, की अर्चना से धर्म अर्थ व काम, 4, की पूजा से राज्य पद, 5, की पूजा से विद्या, 6, की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि, 7, की पूजा से राज्य, 8, की पूजा से संपदा और 9, की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन की विधि: कन्या पूजन में 2 से लेकर 9 साल तक की कन्याओं की ही पूजा करनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा उम्र वाली कन्याओं की पूजा वर्जित है। अपनी इच्छा के अनुसार 9 दिनों तक अथवा नवरात्र के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। कन्याओं को आसन पर एक पंक्ति में बैठाएं। कौमारेनम मंत्र से कन्याओं की पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद उन्हें रुचि के अनुसार भोजन कराएं। भोजन में मीठा अवश्य हो, इस बात का ध्यान रखें। भोजन के बाद कन्याओं के पैर धुला कर विधिवत कुमकुम से तिलक करें तथा दक्षिणा देकर हाथ में फूल लेकर ये प्रार्थना करें: मंत्राक्षर मयी लक्ष्मी मातृणा रूप धारणीम, नव दुर्गात्मिका साक्षात कन्या मावाह्या महिम, जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी, पूजा गृहाण कौमारे जगन माता नमोस्तुते। तब वह फूल कन्या के चरणों में अर्पण कर उन्हें ससम्मान विदा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।